अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आपका भाई आ गया है न्यू वीडियो के साथ और आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपका भाई किधर खज्जल हो रहा है आज। तो मैं ना शॉपिंग करने आया था, घर की थोड़ी सी चीज़ें, घर की कह रहा हूँ अपार्टमेंट की थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, डाइनिंग टेबल लेनी है और थोड़ी सी और चीज़ें हैं, सेंटर टेबल लेनी है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह आज लेंगे, फाइनल करके घर चलते हैं यार। और कुछ चीज़ें ना यार, ये आपके भाई के दिल को लगी है लेकिन सेल हो गई है और वो अब आ नहीं रही, बाहर की चीज़ों पर बैन लग गया है। जब जो चीज़ पसंद आ रही ना आपके भाई को, वो बाहर की है और यहाँ पे बैन है, बैन नहीं है मसलन, क्या वो कह रहे हैं कि ना भाई से आनी बंद हो गई है। तो देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है, क्या क्या पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से लाहौर का सबसे बड़ा शोरूम है ये, सब कुछ है यार, लाइट गई हुई है, सब कुछ है इनके पास, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ है। देखो कॉफ़ी टेबल अब्दुल ने लेनी थी वो भी ले रही है, ये देखो सारा कुछ ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो लेना था ना सब कुछ ले लिया। अब जो है ना चीज़ें सारी ले ली हैं, तो अब हम ना जा रहे हैं बस। तो अब शीशा ही पिक कर लिया साइड टेबलों के लिए और हम ना की जो टेबल है ना वो भी पिक कर लिया मैंने ना रास्ते में से। अभी अभी घर आया हूँ ना और ये देखो मेरी दोनों चिलियाँ जो है ना वो गेम खेल रही हैं, ये देखो ये कितना प्रो कितना खेलता है ये मेरी चिली, ये देखो प्रो के अभी देख लो कितनी जल्दी सीख लिया इसने ये गेम दोनों ने, नहीं तो ये बड़ी मुश्किल से सीन समझ आती है बच्चों को। देना जीली मेरी किस तरह खेलता जीली जाई। तो अब बस ना खाना खा के आमना भी रेडी है, खाना खा के हमने जाना है और ये देखो मेरा लड़का भी रेडी है। तो अब आपको मिलवाते हैं मिसेज उमैर से। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब? हाँ आमना, फिर हम जा रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी शॉपिंग कर रहा हूँ यार, फर्नीचर की जितनी भी शॉपिंग थी ना सारी हो गई है। जी, मैंने बताया कि मैं सारा कुछ ले चुका हूँ लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है। अब्बू साथ गए थे तो अब्बू के साथ आपको पता ही है, क्योंकि औरतों का इतना काम नहीं होता वहाँ पे ना लेडीज का, इसलिए मैं लेकिन ये कि डिजाइन मुझे दिखा दी उन्होंने कि कैसा है, कैसा है डिजाइन, में अमना को मैसेज करके दिखाता रहता था तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त A1 हो गया। आएगा तो फिर तो आप जो है ना हम लोग जा रहे हैं अपार्टमेंट पे, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या क्या शुगर होता है। ऐसा है कि हमने शॉपिंग भी करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, कुछ मतलब ग्रोसरी शॉपिंग थोड़ी सी करनी है, कुछ खाने पीने की चीजें अपार्टमेंट है तो जिस वजह से वो लेनी है, वो करते हैं फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग जो है ना अपार्टमेंट पे पहुंच चुके हैं और जो मेरा पारा है ना वो पापा को देख रहा है कि पापा कितने चल रहे हैं तू, और ये देखो आमना भी आ चुकी है। तो हम किधर जा रहे हैं, अब हम किधर चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं किधर बुलाइए, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने थोड़ी बहुत, ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो देखते हैं झाड़ू चूड़ू काला है, उन बैग थले बहुत मिट्टी आ गई तो ग्रोसरी झाड़ू लेना है, ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, अपार्टमेंट की थोड़ी और शॉपिंग भी करनी है और फर्नीचर हमारा इंशाल्लाह 8 दिनों में आ जाएगा। 8 दिन में? हाँ, सारा कुछ तैयारी के लिए दिया ना, तो 8-9 दिनों में इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। चलो फिर आप चलते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। पारे को नानो के घर छोड़ेंगे फिर आगे चलते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, ब्रेकफास्ट अब बाकी शॉपिंग करते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या होता है यार। आपके भाई को ना टूना मिल गई है यहाँ पे यार, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ लेकिन वो आदमी कह रहा है ये ना इम्पोर्टेड है, उर्दू लिखी हुई है, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उर्दू लिखी हुई है इस पे, इम्पोर्टेड कैसे हो सकती है। नए नए देसी जो बाहर से आते हैं ना तो अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं, यही मैंने यहाँ पर सुना है अभी। आई डोंट वांट दैट वन, बुढ़ी बोल रही है, कहता नो आई वांट दिस वन, अल्लाह वाले दो रखियाँ और ना सीधे हो जाए सारे। चुइंग में खाने का शौक चढ़ा हुआ आपके भाई को ना, तो 3 डिफरेंट कलर की मैंने ले ली है, खाएंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें ये देखो, ये चीज़ें मेरे अराउंड हों तो मैं कैसे डाइटिंग करूँ यार, आप खुद ही सोच सकते हैं, ये मुझे खुद ही बताओ कैसे आपका भाई डाइटिंग करे यार, ये चीज़ें उसके सामने हो तो बहुत मुश्किल है। कौन सी चीज़ बता नहीं सकती, जब मैंने घर में बनाई थी ना मैंने तकरीबन 1 महीने तक खाई थी, और 2-3 और ले लो, और अब इतनी कितना इसने पकड़ लिया ऑयली शैमा, अचानी नहीं मैं पतला हुआ जो बच्चे ही है, बड़े हैं छोटे हैं बच्चे ही नहीं। तो हम लोग जो है ना अब बैगों में डाल रहे हैं सारा सामान, ये देखो बैगों में डाल दिया क्योंकि वहाँ पे बैग अंदर नहीं लेके जाते, हम बाहर में बाहर ही ले आते हैं बैग। हम ना फिर सारी शॉपिंग हो गई है, हो गई है, लेकिन मैं जिस चीज के लिए गई थी अपने शैम्पू के लिए वो तो शैम्पू पर जाना पड़ना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शैम्पू ले लेंगे कल ले लेंगे जाके ना।
चलो अब चलते हैं अपने पारे को पिक करते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। बहुत थक गया हूँ मैं यार, बहुत थक गया हूँ, चलते हैं फिर। इस टाइम आपका भाई वॉक करने आता है बाहर ना, अंधेरी आ गई है बड़ी जबरदस्त किस्म की, तो आज जो है ना भाई भिज गए हैं, तो बस अब भाग भाग के घर जाना है जल्दी 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 चलते हैं। बहुत तेज इतनी खतरनाक अंधेरी बाहर आई हुई है ना कि ऊपर मैं खड़ा होता था ना तो हवा पीछे की तरफ धकेलती थी, मैं दिखा नहीं सका वीडियो, कैमरे नहीं मैं निकाल सका, वो कैमरा भी उड़ के चला जाना था बाहर, तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। अब आपको ना अपने पारे अस्सलाम वालेकुम, ये तो पारा होता है, ये तो बहुत ही पारा बेबी है, ये तो चौथा चा तो है मेरा बेबी, चौथा चा है ना मेरा बच्चा बेबी, छप छे पारा पापा का बेबी है, छप छे पारा है मेरा बेबी, चौथा चा तो है ही, अभी चौथा चा है, इतनी गर्मी में बाहर आया हुआ है अंदर जाती नहीं है ये। तो अब जाना बाहर, बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज तेज बारिश शुरू हो गई है, पहले आंधी आई है अब बारिश शुरू हो गई है। तो अब जो है ना सोने का टाइम हो गया यार, दिन में बारिश होना मजा फिर आना है, मुझे ना बड़ी नींद आ रही है। सोने का टाइम नहीं है आलू बुखारे और खुमानी का टाइम है, खुमानी खा रहे हैं। लोग जो है ना सुबह के टाइम फल खाते हैं, आपका भाई जो है ना वो रात को खा कर सोता है। चलो फिर अब जो है ना फल छल खाते हैं, अभी सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, जुम्मे का दिन है, जुम्मे के लिए आपका भाई तैयार हो गया, आमना भी तैयार हो गई, आमना ने शूट के लिए जाना है और बहुत सारे काम भी आ जाए, लंच बाहर से करेंगे अपने बॉडीगार्ड के साथ, तो अभी जो है ना तैयार हूँ मैं, तो देखते हैं क्या क्या होता है। आपको ना एक सीन बताता हूँ, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा कि आप लोग घरों में भी ऐसे होता है कि नहीं। नए सोफे आए ना तो उनके ऊपर चादरें बिछा दी जाती हैं गंदे ना हो जाएं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों के घरों में भी ऐसे होता है कि नहीं, लाजमी बताना है। सीधे बंदे हैं यहाँ से, यार बंदा नहीं आया यार पेंट करने, पेंट वाला बंदा भाग गया, तो देखते हैं आगे, पता जुमा पढ़ने जाते हैं, 15 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी जाना है यार, जुमा मिस ना हो जाए, चलो चलते हैं। तो ये देखें मिसेज उमैर भी रेडी हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो आमना जल्दी जल्दी निकलना है, जुम्मे का टाइम हो रहा है, आमना को पहले ड्रॉप करता हूँ फिर जुमा पढ़ने जाना जल्दी जल्दी, जो भी चलते हैं जुमा पढ़ने चलते हैं, बस टाइम बहुत थोड़ा रह गया यार, 3 या 4 मिनट रह गए हैं, तो चलते हैं बस जुमा पढ़ के। आपका भाई अपार्टमेंट पे आ गया, तो अब जो है वीडियो एडिट करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बिरयानी का दिल कर रहा है, थोड़ी स्पाइसी बिरयानी हो, तो मैंने सोचा अकेले मेरा दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा अपने बॉडीगार्ड को साथ लेके चलता हूँ, उसको भी खिलाते हैं साथ, चलते हैं। तो पहले वीडियो एडिट कर लूँ, घंटे तक हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद निकलते हैं। हम लोग बस निकलने लगे थे बिरयानी खाने के लिए ना, तो अल्लाह ताला भी नहीं चाहते कि उमैर बाहर से खाए, या देखो हलीम आ गई है घर से किसी के ना, तो अब जो है ना हलीम इंजॉय करते हैं। मैंने वो फिर ना बॉडीगार्ड को कहा कि तू नान छान लेके आ, तो इधर ही बैठ के खाते हैं यार, बाहर क्या खाना, तो घर की चीज़ का अपना ही मजा होता है, आपको पता ही है। चलो वो आता है ना रोटियां लेके, तो फिर खाते हैं। कुकिंग जो है ना आपके भाई ने कर दी है, ओए हलीम बहुत मजे की लग रही है, मजा आ जाना है, मैं कहता हूँ घर की बनी हुई हलीम हो तो मजा ही आ जाना है यार, बिरयानी से 1000 दर्जे बेहतर होगी ये। तो 3 कुर्सियाँ रखनी है क्योंकि एक छोटा बच्चा भी आएगा हमारे साथ, हमें ज्वाइन करेगा वो भी, वो रोटियां लेके आता है ना, तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मेहमान आ जाओ आ गए जी मेहमान। वालेकुम अस्सलाम, हाँ भाई ठीक ठाक हो, रोटी खाओ आ जाओ। मैं कहा मुंडे थोड़ा खुश करिए, मुंडा कहता जी परेशान रहते हो तुम, बैठो, परेशानी रहे परेशान क्यों होते हो। और खाना खा लिया, खा लिया, हम फिर रहने दो, फिर नहीं देना, इन्हें खा लिया नहीं देना। चलो हलीम आई बड़ी मजे की, मैं कहा मिलके खाते हैं क्योंकि वो बीवी बच्चे नहीं थे इधर, खाना खाओगे आप माशा बैठ के खाओगे खाना है, सही है। ईद इफ्तारी की थी माशा, याद है ना साथ उधर। चलो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, शुरू करो। तो ये जो है ना कुवैत से आए हैं भाई, तो अपना कुवैत अरबी में अपना इंट्रोडक्शन करो जरा। अना हिशाम हलीमुन खाई उन विद रोटी के नान, अरबी बोलो ना, अरबी भी बोलो। अब मुझे क्या पता रोटी कहते भैया। देखो आपको अरबी बच्चे से मिलवा दिया मैंने, देख लो यार कितना जबरदस्त अरबी बोली जाओ बस।
माशाल्लाह 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 बोले पूछूं क्या बोलूं अभी मैं कुछ बोलोगे हलीम हलीम को अभी मैं क्या कहते हैं यार हलीम तो आपके भाई को ना बंदा मिल गया अरबी सीखने के लिए तो अब ये मुझे अरबी सिखाएगा ठीक है कवेत का कवेत कवेती दिनार दिनार होते हैं ना वहाँ पे हाँ भी हाजा कुन्ना डूइंग ईटिंग हाजा कुन्ना काबुल आइंग रोटी और नान अल हलीम इतना बोला करो जैसे अरबी बोलते हैं अल हलीम का तो चलें फिर इसी के साथ एक छोटी सी वीडियो करते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें दुआ में अपने भाई को याद रखना है आमना भी अपने शूट पे बिजी है तो मैंने कहा वीडियो एंड करते हूँ कि मैं ना बहुत थका हुआ हूँ अभी मैं सोने लगा हूँ बस वीडियो यहीं पर एंड कर देनी है और अरबी जो है ना लाजमी सीखेंगे छोटे बच्चे के साथ इसके साथ एक अरबी का ब्लॉग भी बनाएंगे इंशाल्लाह चलें फिर दुआ में अपने भाई को याद रखना है अल्लाह हाफिज़।